मंदसौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत धमनार यूं तो जनपद पंचायत की बड़ी पंचायतों में शामिल है, पर यहाँ पर कितना विकास हुआ और सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिला, आम जनता को मिला, ये एक विचारणीय और चिंतनीय विषय है। धमनार ग्राम पंचायत की हम बात करें तो यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ गटर सब जाम हैं। पंचायत क्षेत्र की स्वच्छता सिर्फ कागजों में दिखाई देती है, धरातल पर यहाँ पर स्वच्छता और सफाई ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान को अगर सबसे ज़्यादा बट्टा कोई लगा रहा है तो ग्राम पंचायत धमनार है। कहते हैं कि गांव की दशा गांव के बाहर से पता चल जाती है, वैसे ही कुछ ग्राम पंचायत धमनार के साथ भी हो रहा है। यहां पर गांव में घुसते ही आपको गंदगी और जाम नालों के दर्शन हो जाएंगे। वही बात अगर हम गांव के सीसी रोड निर्माण की करें तो यहां पर सीसी रोड तो बने हैं, परंतु पंचायत की कारगुजारी से भारी भरकम के बजट से बने सीसी रोड भी चंद महीनों में दरारें आ गई। दरारें और गड्ढे चिक चिक कर गवाही दे रहे हैं कि निर्माण कार्य में कितना खेल हुआ होगा। इस ग्राम पंचायत में कुछ सीसी रोड निर्माण तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ कागजों में दिखाई देते हैं, जमीनी दरारल पर वहां पर कुछ भी नहीं है। वहीं ग्राम पंचायत धमनार में हो रहे नए निर्माण कार्यों की हम बात करें तो यहाँ पर 20 लाख की लागत से एक सामुदायिक भवन का निर्माण भी हो रहा है, परंतु गांव वालों का कहना है कि इस निर्माण कार्य में भी सामुदायिक भवन का जो निर्माण हो रहा है इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। घटिया निर्माण सामग्री लगाकर पंचायत द्वारा यहां पर अपनी जेब को गर्म किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निर्माण हो रहा है, परंतु यहां पर भी ग्राम पंचायत द्वारा सिर्फ निर्माण करवाकर इतिश्री करना ही अपना लक्ष्य हो गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जहां पर ग्राम पंचायत द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा है वहाँ पर दोनों ओर से नाले आ रहे हैं। वहीं जहाँ पर निर्माण हो रहा है वहाँ पर पास ही विद्युत डीपी भी लगी हुई है, जो कि भविष्य की एक बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा करती है। जहाँ पर आंगनवाड़ी बन रही है वहाँ पर गटर हमेशा भरे रहते हैं। अब ग्राम पंचायत आंगनवाड़ी बनाकर बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य को बिगाड़ना चाहती हैं या बनाना चाहती हैं, यह हमारे समझ से तो परे हैं। वहीं ग्राम पंचायत धमनार में प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो यहाँ पर इस योजना में भी ग्रामीणों का कहना है कि कुछ चंद लोग जिनके पास पैसा है उन लोगों के यहाँ पर दो दो बार प्रधानमंत्री आवास में मकान आ चुके हैं, परंतु गरीब लोगों के अभी तक मकान नहीं आए हैं। जनता अपनी पीड़ा मीडिया को सुना रही है, जनता के इस दुखड़े को जनपद और जिला के जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला केंद्र पर बैठे जनप्रतिनिधियों को भी गौर करना चाहिए। जहाँ पर भाजपा की सरकार होते हुए गरीब ग्रामवासियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझें और परेशान ग्रामीणों को इस मामले में ध्यान आकर्षित कर कुछ कार्रवाई करें। राजनीतिक हलचल न्यूज़ का जिला कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ से निवेदन है कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर उक्त मामले की जाँच की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, ताकि जनता को भी पता चले इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। राजनीतिक हलचल के लिए अर्जुन पाटीदार के साथ राधेश शर्मा की रिपोर्ट। जो अभी आपको इसका सर्वे करवा है सामने, ये देखा ही आपने, इसको लगभग अभी साल भर भी नहीं हुआ है और इसमें करीब करीब सभी तरफ दरारें आ चुकी है। इसकी लागत शायद 45 या 50 लाख के करीब है, तो करीब करीब ये सरकार का पैसा सभी व्यर्थ गया। इसमें ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दिया, साथ रह के अच्छा ठीक काम नहीं करवाया, टोटल भ्रष्टाचार किया। आपको क्या लगता है पंचायत के जो कर्मचारी या जो जिम्मेदार हैं उनका इसमें कहीं ना कहीं, इस डिफॉल्ट में कहीं ना कहीं योगदान रहा होगा? तो पंचायत के जवाबदार लोगों का ही काम है, क्योंकि एजेंसी तो ग्राम पंचायत ही है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम ईश्वर बंधु। इस रोड को लेकर क्या समस्या है? ये रोड तो क्या है, पुराने सरपंच साहब का जो कार्यकाल था इस पंचवर्षीय योजना से पहले, उन्होंने बनवाया था ये। इस पंचवर्षीय योजना में इनका कोई निर्माण हुआ नहीं है। ये इन्होंने बताया है कि हमने निर्माण किया, जबकि ये गलत है। इन्होंने भ्रष्टाचार करके इसका पैसा निकाला है सिर्फ खाते से, और गाँव में अन्य जगह भी ऐसे ही काम हुए इनकी पंचायत के। आपको क्या लगता है और भी जगह जो सीसी रोड बने हैं या पुराने बने हुए हैं उन सीसी रोड में भी इस प्रकार का इन्होंने किया होगा? बिल्कुल साहब, इसमें है तो पूरे गाँव में है, तो हर जगह जाँच होना चाहिए इसकी। दोनों भ्रष्टाचार तो नीचे से ऊपर तक पूरे लेवल पे चल रहा है इनका। सभी आंगनवाड़ी देख लो। शुभ नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार दाकर। किस सरपंच के कार्यकाल में? ये इससे पहले जो हेमंत सर थे ना, उसका इनका कार्यकाल मना हुआ है 5-6 साल पहले।
वर्तमान सरपंच ने अपने विज्ञापन में बताया कि ये रोड उनके कार्यकाल में अभी बना है। नहीं, 5 साल में तो नहीं बना है, 5 साल पहले बना हुआ है। तो गंदगी अगर जो आपके गांव में है, गंदगी ये साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो होनी चाहिए, जो पंचायत के थ्रू भी हो रही है। हर गांव में मंगलवार के दिन वो जो आता है, हर चीज़ घर घर से कचरा ले जाता है। अब यहाँ की जो बची है बात, वो हर बार बारिश में होती, इस बार बारिश नहीं, उसके लिए क्लियर नहीं हो पाई है। और उसका बजट जो भी पंचायत करेगी उस हिसाब से यहाँ पे क्लियर होगा। सर, गांव वाले वरिष्ठ नागरिक कहना है साल भर में एक बार साफ सफाई होती है। नहीं, ये बात जो भी विपक्ष वाले हैं वो बोलते हैं, बाकी हर बार साफ सफाई होती है। हमारे घर पे हर मंगलवार के दिन आदमी आता है। अब यहाँ पे जो ये क्या है, ये चीज में हर आदमी गाँव का आके यहाँ पे डालता है। अब गाँव वालों को भी समझना चाहिए कि हर बार यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, बाहर डालना चाहिए। अब यहाँ गाँव के अंदर गंदगी करोगी तो वो पंचायत के थ्रू नहीं होगा। इससे पहले यहाँ कब सफाई होती? जानकारी नहीं है। यहाँ कब सफाई होती? जानकारी नहीं है। आपका नाम? मिले था। गांव में आपको गंदगी को लेकर क्या समस्या है? सर, समस्या यही है कि आप देख ही रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया है और ये बता रहा हूँ। देखो ये गलियां, देखो ये नाले हैं। नाले का अभी आपने नीलेश जी से पूछा तो नीलेश भाई ने बोला कि वो गाँव में एक बार सफाई होती है, बारिश के टाइम पे सफाई होती है। तो क्या गाँव में बारिश के टाइम पे ही सफाई होनी चाहिए? क्या 12 महीने सफाई का कोई प्रावधान नहीं रखना चाहिए? क्या पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है 12 महीने सफाई करने की? या फिर उन्होंने बोला कि यहाँ नाले में जो गांव वाले डालते हैं इसकी पंचायत की जिम्मेदारी नहीं? क्या ये लोग पंचायत में नहीं रहते? क्या ये गांव इनका नहीं है? तो गांव अगर इनका है, ग्राम पंचायत इनकी है, तो ग्राम पंचायत का ही काम है कि उसको साफ सफाई करे। अगर ग्राम पंचायत व्यवस्था कर देगी, कचरा पेटी लगा देगी या अन्य व्यवस्था कर देगी, तो वो लोग वहाँ डालेंगे कचरा। ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या गाँव से बाहर 2 किलोमीटर बाहर जाके डाले कचरा? कहाँ डालेंगे आप ही बताओ। प्रधानमंत्री आवास को लेकर आपकी क्या समस्या है? प्रधानमंत्री आवास, माननीय मोदी जी ने बहुत बढ़िया योजना चलाई है गरीबों के लिए, और 2-3 साल से मैंने फॉर्मेलिटी पंचायत को दे रखी है। उसके बाद भी हमारा आवास जो है कच्चा है, ऊपर से बारिश में पानी टपकता है, दिक्कत आती है, रसोई घर में सब दूर गीला हो जाता है, और उसकी पेड़ी भी बहुत नीचे है। गए साल तो जो बारिश हुई थी वो पानी सब 1-1 फीट घर के अंदर घुस गया था, बहुत नुकसान हुआ। और हमें जो है प्रधानमंत्री आवास अगर स्वीकृत हो जाए तो हमें इससे बहुत फायदा है। कोई लाभ नहीं। आंगनवाड़ी को लेकर ये है कि जो भी आंगनवाड़ी का निर्माण अभी ग्राम पंचायत धमनार कर रही है, मतलब 4-5 आंगनवाड़ियाँ, मतलब 8/2/2019 से यहाँ पे पास हुई हुई है, लेकिन अभी तक उन सबका काम पूरा नहीं हो पाया है। और जहाँ बना भी रही है वो सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब बच्चों को पढ़ाना संभव ही नहीं है। और उन क्षेत्रों में बना रही जैसे जहाँ पे ST SC के मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उन बच्चों के साथ भी मतलब उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और दूसरा ये कि सर, ये मतलब गलत जगह बना रहे हैं जहाँ पर पे जैसे कि दोनों तरफ से नाला है। आप ये क्लिप देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों तरफ से नाला है सर, और यहाँ पे जाने का रास्ता भी नहीं है। और ये जो आप DP देख रहे हो ना सर, इसके यहाँ तक समथिंग मतलब 14 सितंबर को जो अपने 2019 में बाढ़ आई थी धमनार में, वो DP भी मतलब पूरी डूब गई थी सर। और ऐसी कंडीशन में ये बना रहे हैं सर यहाँ पे, तो किस प्रकार से बच्चे इसमें पढ़ पाएंगे ये देख लीजिए आप। और इस नाले में लगभग पूरी बारिश, और उधर से आने वाला इसमें पूरा एक तालाब लगता है, इधर से भी तालाब लगता है, दोनों तरफ से तालाब लगते हैं, और पूरी बारिश यहाँ से पानी रिसके जाता है। और ये गंदगी जो है ना सर, ये आप देख सकते हो, ये सारी गंदगी पड़ी हुई है सर। इस गंदगी के तहत मतलब सर इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी परेशानी ये हो रही है सर, बहुत सारी बीमारियाँ फैलेगी इससे, बहुत सारे कारण। इस समस्या को लेकर आपने अभी तक पंचायत कर्मचारी या पंचायत के सरपंच सचिव को अवगत कराया? सर, पंचायत के सचिव और सरपंच से बात की थी, लेकिन उनका कहना यह रहता है कि सर कि हर बात में यही कहते हैं कि पंचायत हमारी, हम जो चाहे जो करें, तुम कौन होते हो कहने वाले। सचिव और सरपंच से बात की थी, लेकिन उनका कहना यह रहता है कि सर कि हर बात में यही कहते हैं कि पंचायत हमारी, हम जो चाहे जो करें, तुम कौन होते हो कहने वाले। तो मतलब सर ये बहुत गलत है, क्योंकि ना तो जनता की सुनते हैं ना कुछ भी नहीं सर। आपका नाम? सर, मेरा नाम कन्हैयालाल धाकड़ है। सड़क को लेकर क्या समस्या है आपकी? सड़क को लेकर साहब, ये मार्ग है गांव में घर पे जाने का, और पेपर में बन गया है, कंप्लीट हो गया ने, अभी हमारे यहाँ कंकली है, ये मार्ग बनानी है गिट्टी मार्ग। तो ग्राम पंचायत द्वारा इसको बना हुआ बता दिया गया है, तो आपने पहले 5 जने आके देखो आप। आपने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत सरपंच सचिव को बताया, अवगत कराया? क्या सुनता है, क्या क्या कहना है ग्राम पंचायत का? बना देंगे। मैं अभी आप देखा पेपर में तो बन चुका है, तो 5 साल हो गए, बोलो ना 5 साल हो गए तो भी ऐसे कैसे ही है। और कुछ समस्या आपकी? ये समस्या है कि नालियाँ वगैरह सब कच्ची है यहाँ पे, और ये गिट्टी RCC बनी नहीं है। ठीक, हमारी मांग है, कई समस्याएं सामने आई, अब आपकी क्या मांग है सरकार से? सर, मांग ये है कि इन सारी समस्याओं का समाधान हो, और जितने भी घोटालों की बात हो रही है सर, उसका सब कलेक्टर साहब निष्पक्ष जांच करवाएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो।
अगर कार्रवाई जांच नहीं हुई और दोषियों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो अब क्या करेंगे? हमारा यही कहना है कि पहले तो प्रशासन अपना कार्य कर ले, अगर नहीं करता है तो हम कलेक्टर में भी ज्ञापन देंगे और आवश्यकता हुई तो फिर स्वच्छता को लेकर के हम गांव में धरना प्रदर्शन भी करेंगे।